IASN 24 पल पल की खबर। CAA, NRC और NPR के खिलाफ पूरे देश में विरोध की आग सुलग रही है। आखिर क्या वजह है कि केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में किया जा रहा है? दरअसल देश के कई तबके के लोगों को लगता है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही CAA, NRC और NPR में कुछ खामियां हैं, जिससे कहीं न कहीं भारत के गरीबों के साथ आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज के लोग प्रभावित होंगे और देश की एकता और अखंडता पर इसका असर पड़ेगा। इसी के तहत कोरबा घंटाघर स्थित ओपन ऑडिटोरियम में भी CAA, NCR और NPR के खिलाफ आंदोलन किया गया। यहां संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा जंगी प्रदर्शन का NCR और NPR के खिलाफ लगातार विरोध किया गया। यहां भारी संख्या में सर्व समाज की महिलाएं, बुजुर्ग, युवा शामिल होकर अपने विरोध की आवाज को बुलंद किया। योजनाबद्ध तरीके से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में गुरुवार को धरना स्थल में भारी भीड़ उमड़ी है। लोगों को संबोधित करने के लिए राज्य के अलावा उत्तर प्रदेश से भी प्रवक्ता पहुंचे हैं। लोगों को संबोधित करते ये प्रवक्ता बता रहे हैं कि अगर देश में CAA, NRC और NPR कानून लागू हो जाएगा तो भारत के लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दर दर भटकना पड़ जाएगा। धरना प्रदर्शन के पश्चात समिति के लोग रैली निकालकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। संविधान बचाओ, देश बचाओ के तारतम्य में आज जो घंटाघर ओपन थिएटर में महा आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे सहारनपुर के पूर्व विधायक इमरान मसूद और सहारनपुर के ही पूर्व मंत्री श्याम मसूद ये दोनों तशरीफ लाए थे। साथ में ही हमारे डॉक्टर छविलाल रात्रे जी आए हैं और जो पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, और इसके अलावा हर समाज के क्रिश्चियन समाज के श्री एडगर जी आए हुए हैं और आदिवासी समाज से भी आए हुए हैं। मतलब कहने का मतलब सभी समाज से लोग इकट्ठा हुए हैं और हमारा सिर्फ एक ही नारा है कि आज हमारे देश के हालात ऐसी नहीं है कि आपको एक भाई के भाई खून का प्यासा जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, इनको कम से कम ये देखना चाहिए कि आज हमारे देश के जो हालात है उस पर सोचें, न कि आपस में भाई भाई को जो NRC, CAA, NPR के बारे में लड़ा रहे हैं, ये अच्छी बातें नहीं हैं। आज हमारा देश आज़ाद हुआ है, उसमें हर वर्ग के हर समाज के लोगों ने अपनी खून दिए तब आज़ाद हुआ है। और ये नाथूराम गोडसे प्रवृत्ति के लोग जो हमको आज जुदा करने जा रहे हैं, यह चीज़ हम लोग काबिले बर्दाश्त नहीं है और इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में जो इस तरह का विरोध चल रहा है उसी तारतम्य में आज कोरबा में भी हुआ है और आगे भी इसका विरोध हम जारी रखेंगे जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा। देखिए, पूरे देश के अंदर CAA और NRC को लेकर के आंदोलन चल रहा है, तो उसी सिलसिले में यहाँ भी मीटिंग थी और यहाँ संघर्ष समिति ने बुलाया था, उनके बुलावे पर मैं यहाँ आया था। देखिए, इसके अंदर ये पूरे इसमें चूक क्या है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। इसमें तो सिर्फ देश को नफरत में बांटने की बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और देश को जिस राह के ऊपर मोदी जी और अमित शाह साहब लेकर जा रहे हैं वो मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है, मुल्क के गरीबों के लिए बहुत खतरनाक है, आदिवासियों के लिए बहुत खतरनाक है, दलितों के पिछड़ों के लिए बहुत खतरनाक है। देखिए, हम यही बताना चाहते हैं कि आज देश मुत्तहिद है इस बात को लेकर कि ऐसा कानून जो जनता विरोधी हो उस कानून को वापस लिया जाए। सरकारें जनता की सेवा करने के लिए बनाई जाती हैं, जनता की मांगों को, जायज़ मांगों को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं, ना कि जनता को टॉर्चर करने के लिए और जनता के विरोधी कानून बनाने के लिए। यही मैसेज है और यही मैसेज हम चाहते हैं पूरे देश में। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24 न्यूज़।